सो हेलो गाइस, सारे महीने में सिर्फ एक वीडियो डालते हो, हम सब्सक्राइब करके फालतू बैठे हैं का? भाग यहां से, भाग। देखो मुझे पता है कि मेरी वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन इसके लिए मैं ब्लेम किसी और को नहीं करूंगा बल्कि खुद को ही करूंगा। सो इसलिए इस महीने मैंने एक ब्रेक ले लिया था जिसमें मैं अपने आप पे काम कर सकूं और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकूं। और अब फाइनली ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं और अब आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं। और थैंक यू सो मच गाइस बार बार कमेंट करके मुझे याद दिलाने के लिए और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए। हमारी फैमिली फाइनली 20K प्लस हो चुकी है। ओके क्रिटोस पे वापस चलते हैं। हमने क्रिटोस को बहुत से वेपन्स यूज करते हुए देखा है, लेकिन उसका जो फ्लैगशिप वेपन है वो है उसके ब्लेड्स, और हमने इसके ब्लेड्स में काफी वेरिएशंस भी देखे हैं। वैसे तो क्रिटोस के पास 3 वेपन्स हैं, ब्लेड ऑफ क्योस, ब्लेड ऑफ एक्साइल एंड ब्लेड ऑफ अथीना। और हमारे अंदर हमेशा से ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, कौन ज्यादा पावरफुल है और इसे ये ब्लेड्स कैसे मिले। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com। और आज हम कंपेयर करेंगे क्रिटोस के ब्लेड्स को। सो अब यहाँ पे आता है मेरा नया इंट्रो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिटोस को ये ब्लेड्स कब और कैसे मिले। सो गॉड फॉर वन में क्रिटोस बार्बेरियन आर्मी के साथ लड़ रहा था और क्रिटोस के आर्मी का कुछ ऐसा हाल था। उस बैटल में क्रिटोस को रियलाइज हो गया था कि उसकी मौत अब ज्यादा दूर नहीं, तो इसीलिए वो फिर एरिस से मदद मांगता है। एरिस आसमान से नीचे क्रिटोस को मदद करने के लिए आ जाता है और क्रिटोस की मदद भी कर देता है, लेकिन बदले में क्रिटोस को अपना गुलाम बना लेता है। और वो एरिस ही रहता है जो क्रिटोस को देता है ब्लेड ऑफ क्योस, क्रिटोस का ये पहला ब्लेड रहता है। और अगर हम थोड़ा इस ब्लेड की हिस्ट्री में चलें, तो डेप्थ ऑफ द अंडरवर्ल्ड में एरिस ने खुद ही इस ब्लेड को बनाया था। और एरिस ने इस ब्लेड को इस तरह से बनाया था कि जब भी वो अपने किसी भी गुलाम को ये ब्लेड दे तो ये ब्लेड उनके हाथों में जम जाए और कभी भी ना निकले, ये रिमाइंड कराने के लिए कि वो अब एरिस का गुलाम है। सो इस ब्लेड को पाने के बाद क्रिटोस आसानी से बार्बेरियन को मार देता है और फिर एरिस की गुलामी करना शुरू कर देता है। एरिस के गुलामी में क्रिटोस बहुत ही कत्लेआम मचा देता है। वैसे तो क्रिटोस ने इन सब की शुरुआत मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसको मजा आने लगता है। और मजे मजे में ही वो लोगों को मारते हुए अपनी फैमिली को ही मार देता है। वैसे तो वो ये सब करता है एरिस के ऑर्डर पे और वो अपनी फैमिली को गलती से मार देता है, लेकिन इसके पीछे एरिस का हाथ रहता है। सो एरिस ने ऐसा क्यों किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर आप पूरी गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी ही देखना चाहते हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है जिसे मैं आई कार्ड पे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर से देखें। और फिर क्रिटोस एरिस से बदला लेता है और उसे मार देता है, और यही मोमेंट वो आखिरी मोमेंट रहता है जब क्रिटोस ब्लेड ऑफ क्योस यूज करता है, और इसके बाद हमें ब्लेड ऑफ क्योस कभी भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, फिर गॉड फॉर 4 में क्रिटोस जरूर इसे दोबारा से यूज करता है, लेकिन उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे क्रिटोस को ये ब्लेड वापस मिले, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी इसे कंटिन्यू करते हैं। ब्लेड ऑफ अथीना। सो जब क्रिटोस ने ब्लेड ऑफ क्योस को यूज करना बंद कर दिया था, तब अथीना ने उसे एक नया ब्लेड दिया था और उसी ब्लेड का नाम था ब्लेड्स ऑफ अथीना। और इसी ब्लेड्स को क्रिटोस ने पूरे गॉड ऑफ वॉर 2 में यूज किया था। ये ब्लेड ऑलमोस्ट सेम थे ब्लेड ऑफ क्योस से। ब्लेड ऑफ क्योस को यूज करते करते क्रिटोस ने उसमें मास्टरी अचीव कर ली थी, लेकिन जब क्रिटोस ने ब्लेड ऑफ क्योस को यूज करना बंद कर दिया, तब इसीलिए अथीना ने आइडेंटिकल ब्लेड्स बना के दिए क्रिटोस को, जिसे वो फिर से वैसे ही यूज कर सके। जब क्रिटोस एरिस को मारने के बाद गॉड बन चुका था और ब्लेड ऑफ अथीना को यूज कर रहा था, तब ये ब्लेड्स गोल्ड कलर के थे और इसमें से येलो ऑरा निकलता था। ऐसा क्रिटोस के गॉडली पावर्स की वजह से था। लेकिन जब क्रिटोस ब्लेड ऑफ ओलिम्पस को निकाल रहा था, तब उस वक्त इसकी सारी गॉडली पावर चली गई थी। तब ये ब्लेड्स अपने बेसिक स्टील कलर के फॉर्म में आ गए थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिटोस ने इसके लेवल को अपडेट किया, ये अपने गोल्ड फॉर्म में वापस आ गए। और जब गॉड ऑफ वॉर 2 में इसका पंगा ज्यूस से चल रहा था, तब क्रिटोस ने इसी ब्लेड्स को यूज किया था। गॉड ऑफ वॉर 2 की भी मैंने कंप्लीट स्टोरी कवर की है और ये भी आपको आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर यहाँ से गॉड ऑफ वॉर 3 शुरू होता है, लेकिन क्रिटोस ज्यूस को अब तक नहीं मार पाता है। तब वो टाइम डकैती करता है और ज्यूस के पुराने दुश्मनों को प्रेजेंट में ले आता है। यहाँ तक तो क्रिटोस को लग रहा था कि अपुन ही भगवान है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मुसीबतें तो अभी शुरू होने वाली है। होता कुछ ऐसा है कि ज्यूस के जो पुराने दुश्मन थे वो क्रिटोस को धोखा दे देते हैं और क्रिटोस रिवर स्टिक्स में गिर जाता है। और फिर रिवर स्टिक्स में क्रिटोस से वही औरत मिलने आती है, जिसकी वजह से क्रिटोस अपना बदला गॉड ऑफ वॉर 2 में नहीं ले पाता है। अथीना। अथीना अपने एस्ट्रल फॉर्म में वापस आती है। एस्ट्रल फॉर्म वो होता है जब कोई गॉड मर जाता है और मरने के बाद एक दूसरे फॉर्म में वापस आता है। और अगर आपको नहीं पता कि अथीना कैसे मरी, तो गॉड फॉर 2 स्टोरी ऊपर आई कार्ड।
सो जब अथीना क्रेटोस से मिलने के लिए आती है रिवर स्टिक्स में, तब वो क्रेटोस को ज्यूस को मारने के लिए एक नए ब्लेड्स दे देती है और इसी ब्लेड का नाम रहता है ब्लेड्स ऑफ एक्साइल। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि अथीना उसके पुराने ब्लेड्स को फेंक के नए ब्लेड्स नहीं देती है, बल्कि जो उसके पास पहले से ही ब्लेड्स ऑफ अथीना रहता है उसे कन्वर्ट करके ब्लेड्स ऑफ एक्साइल बना देती है। फिर यही ब्लेड्स पूरे गेम में क्रेटोस के प्राइमरी वेपन बन जाते हैं। इसका जो अटैक पैटर्न है वो तो लगभग सेम ही है ब्लेड ऑफ अथीना और ब्लेड ऑफ कियोस से, लेकिन इसके डिजाइन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है बाकी ब्लेड्स के कंपैरिजन में। और हमें ये तो पता ही है कि गॉड ऑफ वॉर 3 में क्रेटोस ने इसी ब्लेड्स का इस्तेमाल करके कितने गॉड्स को मारा है, और मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 की भी स्टोरी कवर की है, ये वीडियो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। ओके ये लास्ट प्रमोशन था। सो अब इन तीनों ब्लेड्स को कंपेयर भी कर लेते हैं। देखो इन ब्लेड्स का कंपैरिजन बहुत ही सिंपल होने वाला है, हम यहाँ पे पावर्स एबिलिटीज ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। सो क्रेटोस के पास 3 ब्लेड्स हैं, जिनमें से ब्लेड ऑफ अथीना और ब्लेड ऑफ एक्साइल बिल्कुल ही सेम है, बस फर्क ये है कि ब्लेड ऑफ एक्साइल ब्लेड ऑफ अथीना का अपग्रेडेड वर्जन है। सो जब ब्लेड ऑफ एक्साइल एक अपग्रेडेड वर्जन है सो इसका मतलब यही है कि ब्लेड ऑफ अथीना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए अथीना ने ब्लेड्स ऑफ अथीना को कन्वर्ट करके ब्लेड्स ऑफ एक्साइल बना दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि क्रेटोस ज्यूस को ब्लेड्स ऑफ अथीना से नहीं मार पाएगा, उसे एक अपग्रेडेड और मोर पावरफुल वेपन चाहिए। सो अब बचते हैं ब्लेड ऑफ कियोस और ब्लेड ऑफ एक्साइल। सो ब्लेड ऑफ कियोस की बात करते हैं। ब्लेड्स ऑफ कियोस क्रेटोस का एक क्लासिक ब्लेड है और उसके पावर्स ब्लेड ऑफ एक्साइल के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं है, और ये बात हम अपने ऑब्जर्वेशन से ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम ब्लेड ऑफ क्यूस को मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर दें और ब्लेड ऑफ एक्साइल को भी मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर दें और फिर उन्हें कंपेयर करें, तब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि इस वीडियो में पहले हमें ब्लेड ऑफ क्यूस दिखता है मैक्स लेवल पे, और फिर इस नेक्स्ट वीडियो में हमें ब्लेड ऑफ एक्साइल दिखता है मैक्स लेवल पे। सो इससे हमें आसानी से पता चल रहा है कि ब्लेड ऑफ एक्साइल कितना पावरफुल है। सो ब्लेड ऑफ एक्साइल ही है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड क्रेटोस का, और हम यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 1 के ब्लेड ऑफ कियोस की बात कर रहे हैं, ना कि गॉड ऑफ वॉर 4 के ब्लेड्स ऑफ कियोस की। ऐसा इसलिए क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 4 की काफी सेटिंग्स अलग हैं, पावर्स अलग हैं और उन ब्लेड्स को यूज करने का तरीका भी अलग है। सो इन ब्लेड्स में जो सबसे पावरफुल ब्लेड है वो है ब्लेड ऑफ एक्साइल। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बड़ी के साथ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके।